क्या वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई कि साउथ अफ्रीका श्रीलंका तीन बड़ी टीमों का खेल बिगाड़ सकती है आयरलैंड। अगले साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए मेजबान भारत समेत 7 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, इनमें से 8 को ICC सुपर लीग पॉइंट्स के आधार पर सीधे एंट्री मिलनी है, यानी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ एक जगह बाकी है। और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका समेत 6 टीमें अब भी रेस में है, यानी इनमें से कोई एक टीम सीधे वर्ल्ड कप में पहुंचेगी। बाकी 2 टीमें क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के जरिए वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करेंगी। इस स्टोरी में हम जानेंगे कि अब किन 7 टीमों का वर्ल्ड कप का टिकट मिल चुका है, यह भी जानेंगे कि इन टीमों ने कैसे क्वालिफाई किया और बाकी टीमों का फ्यूचर क्या हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि क्वालिफिकेशन की ओवरऑल प्रोसेस क्या है। 2019 वर्ल्ड कप में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2023 वर्ल्ड कप के लिए भी वही फॉर्मेट बरकरार रखा गया। मेजबान होने के नाते भारत ने सीधे क्वालिफाई कर लिया है। बाकी टीमों की किस्मत का फैसला ICC सुपर लीग और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के जरिए होना है। ICC ने 30 जुलाई 2020 से 31 मई 2022 तक टॉप 13 टीमों के बीच होने वाले तमाम द्विपक्षीय वनडे सीरीज को सुपर लीग का हिस्सा बना दिया। हर मैच में जीतने वाली टीम को 10 पॉइंट दिए जाते हैं, हारने वाली टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलता। मैच रद्द होने या टाई होने की स्थिति में दोनों टीमों को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। सुपर लीग का टाइम पीरियड समाप्त होने पर जो टीमें टॉप 8 में रहेगी उनको सीधे वर्ल्ड कप में एंट्री मिल जाएगी। बाकी टीमों को क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलना होगा, जिनमें से 2 टीम वर्ल्ड कप में पहुंचेगी। अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं उसके आधार पर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इतने पॉइंट हासिल कर लिए हैं कि उनका टॉप 7 में रहना तय हो गया है, यानी ये टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। मई तक होने वाले द्विपक्षीय वनडे मैचों के आधार पर एक टीम और सीधे क्वालिफाई करेगी। इसके बाद जो टीमें बच जाएंगी उनके बीच 2 स्थान के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट खेला जाएगा। अफगानिस्तान क्वालिफाई करने वाली 7वीं टीम बनी। रविवार को अफगानिस्तान श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे वारिस में धुल गया, जिसके चलते अफगानिस्तान को 5 पॉइंट मिले और वह ICC के सुपर लीग टेबल में 115 पॉइंट के साथ डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली 7वीं टीम बन गई। एक और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमों ने वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एंट्री हासिल कर ली, तो वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की टीमें पिछड़ गईं। इनके अलावा आयरलैंड, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड की टीमों का किस्मत का फैसला होना भी बाकी है। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए एक ही स्लॉट खाली है, यानी मई में जब सुपर लीग खत्म होगी तो इन 6 टीमों में से कोई एक ही वर्ल्ड कप में डायरेक्ट इंटर कर पाएगी। बाकी टीमों को क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलना होगा। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पर है। वेस्ट इंडीज सुपर लीग पॉइंट्स टेबल में 88 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर। उनके सुपर लीग के सारे मैच पूरे हो गए हैं। लीग की समाप्ति तक वेस्ट इंडीज अगर 8वां स्थान कायम रखता है तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। हालांकि इसके लिए उसे दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका अपने बाकी मैचों में कम से कम 3 में हारे। वहीं श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें भी 2-2 मैच हारे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप में सीधे एंट्री नहीं मिलेगी और उसे क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलना होगा। श्रीलंका की स्थिति काफी नाजुक है। श्रीलंका के अभी 67 पॉइंट हैं और वह सुपर लीग में 10वें नंबर पर है। श्रीलंका को अभी अफगानिस्तान से 1 और न्यूजीलैंड से 3 मैच खेलने हैं। 4 मैच जीतने पर उनके 107 पॉइंट होंगे। इसके बावजूद श्रीलंका तभी क्वालिफाई कर पाएगी जब साउथ अफ्रीका कम से कम 1 मैच जरूर हारे। 3 मैच जीतने पर श्रीलंका के 97 पॉइंट्स होंगे। इस स्थिति में उसे साउथ अफ्रीका की 2 और आयरलैंड की 1 हार की दुआ करनी होगी। 2 मैच जीतने पर उनकी 87 और 1 मैच जीतने पर 77 पॉइंट में होंगे। ऐसे में उनके पॉइंट्स वेस्ट इंडीज से कम रहेंगे और टीम डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। साउथ अफ्रीका को जीतने होंगे सभी 5 मैच। साउथ अफ्रीका 59 पॉइंट के साथ 11वें नंबर पर है। टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 3 और नीदरलैंड के खिलाफ 2 मैच खेलने हैं। अगर साउथ अफ्रीका सभी 5 मैच जीत लेता है तो उसके 109 पॉइंट्स बनेंगे और टीम डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी। 4 मैच जीतने पर उसके 99 पॉइंट्स होंगे। इस स्थिति में साउथ अफ्रीका को श्रीलंका की कम से कम 1 हार की दुआ करनी होगी। 3 मैच जीतने पर उसके 89 पॉइंट्स होंगे। ऐसे में उन्हें श्रीलंका की 2 और आयरलैंड की 1 हार का इंतजार होगा।
दो मैच जीतने पर टीम के 79 और एक मैच जीतने पर 59 पॉइंट्स होंगे। ऐसे में वह डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और उसे क्वालिफायर टूर्नामेंट में खेलना होगा। आयरलैंड कर सकती है बड़ी टीमों को बाहर। आयरलैंड के 21 मैच में 68 पॉइंट्स है। उसके 3 मैच बांग्लादेश से होंगे। तीनों मैच जीतने पर उनके 98 पॉइंट्स होंगे। टीम इतने पॉइंट्स के साथ सीधे वर्ल्ड कप में पहुंच सकती है, बशर्ते साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए मुकाबले में कम से कम 2 हारे और श्रीलंका की टीम 1 मैच हारे। 2 जीत से आयरलैंड के 88 और 1 जीत से 78 पॉइंट होंगे। ऐसे में टीम वनडे वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के लिए सुपर लीग पॉइंट्स के आधार पर डायरेक्ट क्वालिफाई कर पाना मुमकिन नहीं है। इन टीमों को क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलना ही होगा। बने रहें तो खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।